डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापे के बाद आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर हमलावर है। वही मंगलवार को आपके प्रमुख प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि भाजपा के लोग उनके विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस सफल नहीं हो पाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मनीष सिसोदिया के घर छापे इसलिए पड़े क्योंकि दिल्ली में ये लोग सरकार गिराना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।